औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में संकल्प संस्था द्वारा अभ्युदय कौशल उन्नयन प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ कल केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, मध्य प्रदेश कैबिनेट के उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर के द्वारा किया जाएगा। जानकारी देते हुए संस्था के संचालक अमित उदय ने बताया कि यह आईसेक्ट विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त संस्था है। इस संस्था का उद्देश्य सभी वर्गों का उत्थान कर सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से उनके सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास कर समुदाय की जीवन शैली के परिवर्तन लाना है। इस संस्था में करीब 35 से अधिक तकनीकी विषयों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें 45 दिन से लेकर एक वर्ष तक के डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स शामिल है। वहीं समय समय पर इस संस्था में विशेषज्ञों द्वारा उनके अनुभव छात्रों के साथ साझा कर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। सभी प्रशिक्षण पूरी तरह निःशुल्क रहेंगे व प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षु को स्वरोजगार व नौकरी में सहयोग प्रदान किया जाएगा। पीथमपुर से संजय सोनग्रा की रिपोर्ट। प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य और क्या संस्था का क्या काम रहेगा यहाँ? वर्तमान में संस्था की हमने 2005 में स्थापना की थी, संकल्प सामाजिक एवं पर्यावरण विकास संस्था। पर्यावरण गतिविधि से हमने इस संस्था का प्रारंभ 2005 में शाजापुर, उज्जैन, आगर ऐसे तमाम जिलों में काम प्रारंभ किया था। 235 गाँव में शाजापुर में जल संरक्षण को लेकर के हमने काम किया था PRA गतिविधि के माध्यम से, जिसमें संस्था द्वारा 2 से 3 तालाब जन सहयोग से खोदे गए। उसके पश्चात हमने सार्वजनिक रूप से जो उपयोग होने वाले जल स्रोत हैं उनका एक सर्वे किया और सर्वे करने के माध्यम से उसकी एक रिपोर्ट सरकार को दी तो कितने उसमें सुधार कर सकते हैं, कुछ डिसइल्ट्रेट हैं उन सब, तो ऐसे धीरे धीरे वर्मी कंपोस्ट का प्रशिक्षण है या सोलर एनर्जी का प्रशिक्षण है, इस प्रकार के प्रशिक्षण हमने प्रारंभ किए। उसके बाद अभी जो वर्तमान समय स्टार्टअप इनोवेशन इन गतिविधियों का ज़्यादा है, तो नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए समाज के हर तबका स्वावलंबी बने और प्रशिक्षण प्रदान करे, प्रशिक्षण ले, उसके साथ इंडस्ट्रीज में जॉब करे, हमारा यही प्रयास रहेगा। लगभग हमने यहाँ पर 35 से अधिक कोर्स प्रारंभ किए हैं, जिसमें कि युवा और बच्चे प्रशिक्षण लेंगे। आईसेक्ट विश्वविद्यालय द्वारा हमने इसकी मान्यता दी है और यह प्रशिक्षण जो है निःशुल्क रूप से समाज के बच्चों के लिए रहेगा। इसमें हमने एक विशेष प्रकार की साइंस की लैब बनाई है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स इस प्रकार के मॉडल रहेंगे, जो कि बच्चे और शिक्षकगण इसमें आकर के देखेंगे। और यह प्रायोगिक रूप से पूरी जो हमने केंद्र प्रारंभ किया है यह पूरा प्रायोगिक रूप से रहेगा। इसमें हमने समय समय पर मार्गदर्शन के लिए गेस्ट लेक्चर आएंगे और अपना बच्चों को मार्गदर्शन देंगे कि आगे किस फील्ड में उनको अपना योगदान देना है और अपना स्टार्टअप शुरू करना। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।